नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपने शादी टूटने की बहुत सारी वजह सुनी व देखी होगी, लेकिन यूपी के औरैया जनपद में दूल्हे द्वारा हिंदी का अखबार ना पढ़ पाने की वजह से शादी टूट गई और दूल्हे पक्ष के खिलाफ केस रजिस्टर्ड भी हो गया। बिना चश्मे के नहीं पढ़ पाना लड़की के लिए अभिशाप बन गया और शादी भी टूट गई। दुल्हन भी ना मिली और लड़की पक्ष की तरफ से केस भी दर्ज हो गया। दरअसल जिस घर में दो दिन पूर्व मंगल गीत गाए जा रहे थे, वहीं घर के दरवाजे पर बारात पहुंचते ही लड़की गुरुवार चौक के दौरान चश्मे में देख कर सभी होश उड़ गए। दरअसल लड़की वालों ने जो आरोप लगाया वो लड़के को बिना चश्मे के कुछ दिखाई नहीं देता। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद के सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जमालीपुर का है। इस गांव में रहने वाले अर्जुन सिंह ने अपनी बेटी अर्चना की शादी शिवम निवासी बंसी थाना अछलदा में तय की। इसके बाद सारी तैयारियां की, साथ लगन उत्सव एवं शादी की तारीख भी तय हो गई। इस पर लड़की वालों ने अपनी तैयारियां कर ली। दहेज में मोटरसाइकिल व नकदी देकर लगन चढ़ाई गई। इसके बाद तय तारीख 20 जून को जब बारात घर पर आई तो दूल्हे द्वारा इस दौरान लगातार पूरे समय नज़र का चश्मा लगाए रखने की वजह से घर की महिलाओं को संदेह एवं लड़की के पिता को चश्मे को लेकर शक हुआ। इस पर द्वारचार के दौरान शादी कराने वाले बिचौलिए से चश्मा हटाने के लिए कहा गया। इस पर जब लड़के से यानी दूल्हा बने शिवम से मांगलिक कार्य करने को कहा तो वह बिना चश्मे के देख ही नहीं सकता था। उसकी नज़र काफ़ी कमज़ोर थी। यह देख सुनकर वधू यानी अर्चना द्वारा शादी करने से मना कर दिया गया, जिस पर लड़की पक्ष एक मत हो गए। उन्होंने दहेज इत्यादि में दिए गए नकदी व गाड़ी को वापस करने की मांग की। लड़के पक्ष द्वारा कुछ भी देने से मना कर दिया गया, जिस पर लड़की पक्ष द्वारा कोतवाली औरैया में तहरीर देकर केस दर्ज कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।